नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन लाइव। मैं हूँ आपके साथ रवीना। हमारे ड्राइव नो योर स्कूल को आगे बढ़ाते हुए अभी हम प्रताप मॉडल स्कूल में मौजूद हैं। प्रताप मॉडल स्कूल के चेयरमैन मिस्टर अनिल अहलावत के साथ मौजूद हैं और उनसे शिक्षा पर चर्चा करने आए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते रवीना जी, हाउ आर यू? आई एम गुड सर। तो सर, स्टार्ट करते हैं शिक्षा से रिलेटेड ही सवाल से। सर, आपके मायने में शिक्षा क्या है? शिक्षा हर आदमी का अधिकार है। पृथ्वी पे मानव है और मानव खुशी पूर्ण रहना चाहता है, और जैसा आप खुश हैं, और ये स्माइल इस पृथ्वी पे प्रत्येक मानव के फेस पे होनी चाहिए, और इसको लाने का जिम्मा शिक्षा का। जी सर। तो सर, जो आपका स्कूल है, जो अभी आपने बोला आपके शिक्षा, आपके आप इस मायने से समझते हैं, तो आपका खुशी 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 मतलब मानव की चाहना खुश रहने की। सो आपके चेहरे पे वो नजर आया, तो इसलिए मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। लाइव एग्जांपल लोगों को ज़्यादा समझ में आता है, और मैं हमेशा क्लास के अंदर भी लाइव एग्जांपल्स हम लोग कोट करते हैं, तो बच्चों को जल्दी समझ में आ जाते हैं। तो बेसिकली मेरा उद्देश्य ये था कि मानव अपने जीवन में खुश रहना चाहता है। चाहना में प्रत्येक मानव एक जैसे हैं, लेकिन उसका पूरा करने में अलग अलग मार्ग वो चुनते हैं, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जिसकी वजह से समस्याएं हैं। तो यदि प्रत्येक मानव खुश रहना चाहता है, तो उसका फार्मूला भी एक ही है। जैसे 2+2 = 4 ही बोलेंगे, वो यहाँ पे भी बोलेंगे, गांव में भी बोलेंगे, इंडिया में भी बोलेंगे, अब्रॉड में भी बोलेंगे। तो उसका कोई दूसरा कोई फार्मूला मैं नहीं समझता। वो 2 और 2 = 4 बोल सकता है, भाषा दूसरी हो सकती है, लेकिन जो उसका कंटेंट्स है वो चीज़ नहीं हो सकता। तो ये जो चीज़ें हैं सर, आपके स्कूल में आप कैसे इनको लागू कर रहे हैं, फिर आपके स्कूल में क्या ऐसा अलग हो रहा है जो आप बच्चों को सिखा रहे हैं वो अपने जीवन में लागू कर रहे हैं? जी रवीना जी, कोई स्कूल अलग नहीं होता। अब मैं भी एक ही पढ़ाऊंगा, आप किसी दूसरे विद्यालय में जाएंगे वो भी एक पढ़ाएंगे, और बाहर जाएंगे वो 1 पढ़ा देंगे अब्रॉड में। तो कोई स्कूल अलग नहीं होता। मैं कुछ अलग नहीं कर रहा, मैं केवल जो है उसको वैसा ही देख करके वैसा ही पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। जी सर। तो क्या ऐसी चीज़ें थी सर जो आपको इंस्पायर किया, जिन्होंने शिक्षा में आने के लिए, एक जो शिक्षा जगत है, फिर बच्चों को क्या चीज़ों ने आपको इंस्पायर किया कि आप ऐसे स्कूल खोलें, बच्चों को एडुकेशन दें, ये सारी चीज़ें? जी, बहुत ही सुंदर आपने क्वेश्चन किया है। देखिए, पीड़ा ही आविष्कार की जननी है। और जो बचपन में जो पीड़ाएं मैंने सही या मैंने देखी अपने अंदर, परिवार में, समाज में, तो उन पीड़ाओं का से मैं बाहर निकलना चाहता था, लेकिन मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आता था। लेकिन जैसे जैसे मैं ग्रो हुआ, बड़ा हुआ, तो वो समझ आई। जैसे जैसे वो समझ आई, वैसे वैसे फिर उससे निकलने के रास्ते भी मुझे नज़र आए। और जब मुझे जब रास्ते नज़र आए उस पीड़ा से बाहर निकलने के, तो मैंने पाया कि शिक्षा के द्वारा ही उन पीड़ाओं से उभरा जा सकता है, दूर रहा जा सकता है, और मैं भी उस पीड़ा से निकल सकता हूँ, और ये आने वाला समाज ये भी उससे दूर रह सकता है। जो ये छोटे छोटे नन्हे बच्चे हमारे पास हैं, वो उनके सामने आएंगे ही नहीं, और यदि आएंगे तो उनसे उनको निकलना आएगा। ये मैं ये कहना चाहूँगा, कोई ऐसा नहीं है कि किसी के सामने भी समस्याएं नहीं आएंगी, 100% आएंगी। जो समस्याएं मैंने फेस की हैं वो आपने भी की होंगी, भाई ने भी की होंगी, सब करेंगे, क्योंकि ये तो सिक्के के पहलू हैं। और हर स्टेज में, जैसे एक बच्चा है वो उसका बालपन है, और यदि उसको कोई चीज़ नहीं मिलेगी वो रोएगा, तो मैं उसको नहीं कर सकता, लेकिन उसको जल्दी से मैं उसको उस पीड़ा से उभारने में सहयोग कर सकता हूँ। उसका समाधान मेरे पास है, तो मैं समाधान देना चाहता हूँ, और प्रत्येक मानव को समाधान ही तो चाहता है। तो सर, आपने जब ये स्कूल शुरू किया था, आपने बताया 1999 से ये स्कूल चल रहा है, काफ़ी समय हो गया है सर, उद्देश्य क्या था इस स्कूल का, ऑब्जेक्टिव, एक मोटो जो हम बोलते हैं, मिशन बोलते हैं, वो क्या लेकर आपने शुरू किया था सर?
मेरा उद्देश्य है कि बच्चे के अंदर शिक्षा हो, शिक्षा के अंदर स्किल और वैल्यूज साथ साथ हो, जिससे कि उसको जो है ना अपने जीवन में जो जरूरत की जो समृद्धि के लिए जो उसको सामान चाहिए उसको खरीदने के लिए उसको पैसा चाहिए, पैसा कमाने के लिए स्किल चाहिए, स्किल के लिए कोई रोजगार चाहिए, कोई उत्पादन चाहिए, कोई नौकरी चाहिए, कोई सर्विस चाहिए, कोई व्यापार चाहिए, वो भी उसे आना चाहिए और साथ में वैल्यूज़ भी हों, वो अपनी भी अपने आप को भी समझ पाए और दूसरों को भी समझाने में सहयोगी हो पाए, तो वो अपने परिवार को भी जो है समृद्धि के रूप में ले पाए, सही के रूप में। समझदार तो बहन सभी हैं, ठीक है ना, लेकिन सही समझदार होना चाहिए, राइट पे लाने का प्रयास है, राइट अंडरस्टैंडिंग। तो सर अगर हम बात करें, जैसे आपने बोला कि वैल्यूज और स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट एक बच्चे की लाइफ में या किसी की भी लाइफ में आप लगा लीजिए, तो सर कैसे जो अभी के स्कूल्स हैं या फिर हम हमारी एडुकेशन पॉलिसी की बात करें जो पुरानी चल रही थी, उसमें हमने स्किल्स और वैल्यूज़ को कितनी तवज्जो दी है सर, कितना महत्व दिया है एक्चुअल में कि हम बच्चों को सिखा पा रहे हैं, फिर कितने आपको लगता है कि इतने सारे स्कूल्स जो हैं क्या वो इस मायने को समझ पाए हैं कि बच्चों की लाइफ में एक स्किल और वैल्यू की कितने महत्व होती है। मैं आपको बहन एक उदाहरण के रूप में इसको समझाना चाहूँगा। आज आप भी देखते हैं कि हमारे जो है ना एग्रीकल्चर बेस है हमारा देश, और गांव के अंदर हमारा 85% पॉपुलेशन वहाँ पे, जो शहरों में इंसान रह रखे हैं, यदि वो अपने यहाँ कोई इवेंट्स करते हैं, कोई अपना बर्थडे मनाते हैं या कोई अपनी सेरेमनी करते हैं और वहाँ से अपने रिलेटिव्स को इनवाइट करते हैं, तो जब वो यहाँ पे आकर के देते हैं, आपने तो उसको भाव से बुलाया, मैंने तो उसको अपने रिलेटिव समझ के उसको बुलाया, और आपको सुन के आश्चर्य होगा कि वो देहात में गांव में है और जब वो यहाँ पे आके देखता है कि सर तो जो ना कोट पैंट पहनते हैं, सर के घर में तो एसी लगा हुआ है, सर के घर में तो सोफा लगा हुआ है, बढ़िया बेड लगा हुआ है, तो यहाँ पे वो मैंने तो उसको अपना संबंधी समझ के बुलाया, अपना समझ के बुलाया, लेकिन वो मान सम्मान ना लेकर के यहाँ से वो क्या लेकर जाता है, वो सुविधाएं कैसे, वो उन सुविधाओं को देखता है, वो सुविधाओं को मान सम्मान मानता है। तो आप यदि 2 साल के बाद अपने उससे रिलेटिव के पास यदि मैं जाता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि पहले वो चारपाई पे था, बढ़िया जंगले थे, लेकिन अब उसके यहाँ पे भी एसी लगा हुआ है, अब उसके यहाँ पे भी सोफे लगे हुए हैं, अब उसके यहाँ पे भी बेड लगा हुआ है। तो आज की डेट में सुविधाओं को इकट्ठा करना ही मान सम्मान मान। तो आपकी नजर में सही है सर या क्या इसको? वही पैटर्न एजुकेशन का। अच्छा, वही पैटर्न एजुकेशन का भी है। मैं तो उसको समाज सिखा रहा हूँ, मैं तो उसको समाज शास्त्र सिखा रहा हूँ, लेकिन वो साइंस पढ़ रहा है। मैं उसको मानव बना रहा हूँ, वो डॉक्टर बन रहा है, वो इंजीनियर बन रहा है, वो मशीन बन रहा है। मैं उसको मानव बनाने का चाह रहा हूँ कि उसका यूज करे, सदुपयोग करे, उपयोग करे मानवता के लिए, अपने समृद्धि के लिए। समृद्धि जितनी मुझे जरूरत है, जितना मेरे परिवार को जरूरत है, उतना उत्पादन करे, उससे थोड़ा सा 10% ज्यादा कर, तो एक बैलेंस बना रहेगा। लेकिन जब संग्रह ज्यादा होगा तो वो किसी न किसी का मैं अधिकारी संग्रह कर रहा हूँ। जी सर, तो अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी की हम बात कर लेते हैं सर, क्योंकि काफ़ी चेंजेस आने वाले हैं उससे हमारे एजुकेशन में बहुत सारे, तो क्या लगता है आपको सर कि कैसी रहेगी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, कितना सुधार या कितना बदलाव कर पाएगी हमारी शिक्षा में? रमना जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये हमारे देश की ब्यूटी लगा लीजिए, और चाहे जो है ना हमारे एजुकेशन की या एजुकेशन फील्ड में जितने हमारे भाई बहन लगे हुए हैं, उनकी सोच की लगा लीजिए। हमारे यहाँ आपने भी देखा होगा कि मास्टर पॉलिसी होती है, हर एक हमारे दिल्ली के अंदर भी होती है, और जैसे ही मास्टर प्लान आता है तो पता चलता है कि अब तो भौगोलिक स्थिति चेंज हो गई, अब दोबारा मास्टर प्लान बनाना पड़ेगा। तो वैन
जिस एरिया में आप बैठे हैं यदि उसका मैप देखेंगे, गवर्नमेंट से पूछेंगे, तो यहाँ पे गेहूं उग रहे हैं, लेकिन जब फिजिकली आप विजिट कर रहे हैं तो यहाँ पे प्लॉटिंग हो रखी है, मकान बने हुए हैं, यहाँ पे शॉप्स हैं, यहाँ पे स्कूल्स हैं, यहाँ पे गलियाँ बहुत बढ़िया हैं, यहाँ पे सीवरेज फैसिलिटीज़ हैं, यहाँ पे वाटर ड्रिंकिंग फैसिलिटीज बहुत बढ़िया है, सारी चीज़ें हैं। दैट इज़ द सेम सिचुएशन विद द एजुकेशन। हम तो ऑलरेडी अप्लाई कर रहे हुए हैं, हम तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो गवर्नमेंट ने आज बनाई हुई हैं, हम तो पहले से उसको दे रहे हैं, तो वो अपने यहाँ लगाएंगे। लेकिन आपको जान के अच्छा लगेगा कि वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी हम तो पहले से ही हमारे यहाँ लागू है, इम्प्लीमेंट है, और हम उसको दे रहे हैं। तो अगर हम एक पॉइंट है सर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में स्कूल बैग पॉलिसी को लेकर, जो छोटे बच्चे हैं कि उनके जो स्कूल बैग का बर्डन है वो कम किया जाए, या फिर कुछ दिन ऐसे हों कि उन्हें बिना बैग के बुलाया जाए, एक्टिविटीज़ करवाई जाए, तो वो आपका स्कूल क्या फॉलो कर रहा है सर, या पहले से इम्प्लीमेंटेड था ये सब कुछ भी? रुना जी देखिए, आप भी कभी स्टूडेंट रहे होंगे, मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ, सब लोग किसी न किसी रूप में स्टूडेंट रहे हैं। अच्छा टीचर्स वो होता है जिसको बुक ना खोलनी पड़े स्टूडेंट को, वो किसी स्टूडेंट स्टूडेंट होता है, चाहे वो नर्सरी क्लास का स्टूडेंट है, चाहे वो फर्स्ट क्लास का स्टूडेंट है, चाहे वो एट्थ क्लास का स्टूडेंट है, चाहे वो किसी भी कक्षा में बैठा हुआ है, यदि उस पढ़ना टीचर को है, समझाना टीचर को है, बच्चों को तो समझना है, मुझे बुक थोड़ा ही चाहिए। लेकिन सर फिर भी जैसे हम थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल की बात करते हैं, तो थ्योरी को हम इतनी तवज्जो देते ही नहीं है सर, एग्जाम होते हैं, सब कुछ होता है, मार्क्स लिखे जाते हैं, तो उन सब चीज़ों के लिए तो सर लिखना पड़ेगा, कॉपीज बनानी पड़ेगी, सब कुछ होगा ना सर। तो आप एक बात बताइए ना बहन, पहले समझेंगे या लिखेंगे? समझना, वही मैं आपको कहने का प्रयास कर रहा हूँ। जब एक टीचर्स समझा देगा तो वो पढ़ भी लेगा, लिख भी लेगा, और समझेगा नहीं तो आप उसके सामने नोटबुक रख दीजिए, बुक रख दीजिए, दोनों चीज रख दीजिए, क्या लिखेगा नोबडी नोज, नोबडी नोज। लेकिन एक चीज मैंने देख ली, मैंने समझ ली, मेरे को आप स्लेट दे दीजिए, मेरे को कॉपी दे दीजिए, पेन दे दीजिए, टैब दे दीजिए, लैपटॉप ले लीजिए, मैं उसमें लिख दूंगा। आप तो कॉपी की बात कर रहे हैं, आप तो बुक की बात कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं लैपटॉप दे दीजिए, वर्ड तो वर्ड ही है ना, मैं लिख सकता हूँ। जी सर। और सर हम थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल की भी वही बात करना चाहेंगे कि आपको लगता है सर पहले हम थ्योरेटिकल पर इतना फोकस करते थे, लेकिन अब जैसे जैसे अवेयरनेस आ रही है हमारे अंदर, हम देख रहे हैं कि प्रैक्टिकल नॉलेज कितनी इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल को हम उतने ही इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। लेकिन सर आगे आगे क्या आपको लगता है कि हम प्रैक्टिकल को ही इंपॉर्टेंस दे देते, कहीं थ्योरी को तो पीछे नहीं छोड़ देंगे सर? आपके फ्यूचर में क्या लग रहा है कि क्या फ्यूचर होने वाला है एजुकेशन का इंडिया में? मेरी बहन आप एक बात छोटी सी मुझे बताइए, आप रोड पे जाते हैं, आपने गाड़ी ले रखी है, उसमें पंचर लग हो जाता है, वो पंचर जो है ना रोड किनारे बैठा हुआ एक व्यक्ति लगा देता है, उसके पास सर्टिफिकेट नहीं होता, उसने इंजीनियरिंग नहीं कर रखी, और एक ने इंजीनियरिंग कर रखी है, उसको पंचर ये पता है कि ऐसे लगाते हैं, लेकिन पंचर लगाना नहीं आता। तो ये तो बहन अनुभव से ही आएगा, दोनों ही चीजों का कॉम्बिनेशन है, पहले सीखना है फिर इंप्लीमेंट करना, पहले हम लोग सीखेंगे और उसका उद्देश्य तो वही है ना। आज हम किसी एक बच्चे को तैयार करते हैं और तो वो टीचर बनेगा, और तो आज मैंने उसको पढ़ाया तो कल वो पढ़ाएगा, तो इम्प्लीमेंटेशन तो होना ही होना। तो आपको लगता है कि आगे सब कुछ सही चलेगा, बैलेंस में चलेगा? ये तो गुड़िया डे वन से जब से हुआ है, आज से नहीं आगे तक, ये तो प्रोसेस है, न मैं बंद कर सकता, न आप कर सकते, न एजुकेशन पॉलिसी बंद कर सकती। पहले सीखना है, पहले मुझे स्वयं में सीखना है, और फिर मुझे उसको समाज, मेरे को भगवान ने जन्म ही इसीलिए दिया, पहले सीखो फिर समाज का भला करो। जी सर। तो ये आपने बार बार बोला कि समाज का भला, सोशल इश्यूज पे हमें ध्यान देना चाहिए, लेकिन सर आपको नहीं लग रहा कि आज के जो स्कूल्स हैं उनमें मोरल और एथिक्स वैल्यूज जो हमें सिखाने चाहिए लगता है वो नहीं सिखाए जा रहे? ये पीड़ा है बहन, ये पीड़ा, और हमें वही लगता है ना कि सब, आज आप देखिए कि कोई भी इंसान फैक्ट्री में जाकर के काम नहीं करना चाहता,
आज आईआईटी के अंदर जब पूछा गया बच्चों से कि आपको क्या चाहिए, जी मुझे बहुत अच्छी सर्विस चाहिए, जॉब चाहिए, बहुत अच्छी कंपनी चाहिए, सुविधाएं चाहिए, सब कुछ चाहिए, एंड में क्या कहता है, काम करना चाहिए, काम ना करना पड़े। ये हमारी आईएम के स्टूडेंट्स में पढ़ने वालों की सोच है। तो भाई जब तक हम फैक्ट्रीज के अंदर काम नहीं करेंगे, जब तक हम फील्ड में काम नहीं करेंगे, एग्रीकल्चर में काम नहीं करेंगे, तब तक हमें सुविधाएं कहाँ से मिलेगी, हमें फूड कहाँ से मिलेगा, हमें इक्विपमेंट कहाँ से मिलेंगे, हमें मशीनरी कहाँ से मिलेगी, हम ये पेन लिख रहे हैं कहाँ से मिलेगा पेन, यदि मैं पेन की मैन्युफैक्चरिंग नहीं करूँगा तो पेन कहाँ से मिलेगा। तो सर आखिरी सवाल आपसे लेना चाहेंगे, कोविड से रिलेटेड बात कर लेते हैं सर, क्योंकि शिक्षा को बहुत ही अफेक्ट किया है कोविड ने इन दो सालों में। तो सर जब हम कोविड टाइम्स में थे, हमने ऑनलाइन टेक्नोलॉजी को अपनाया, सारी चीज़ें की, ऑनलाइन क्लासेस चलाई, सब कुछ किया, तो क्या आपको लगता है कि सर आगे जो हम फ्यूचर में जाने वाले हैं उसमें हमें ऑनलाइन क्लासेस को ही आगे करना चाहिए, आपको लगता है कि जो फिजिकल क्लासेस है वो ज़्यादा बेटर है फ्यूचर में, आपको क्या लगता है सर कि ऐसे जो स्कूल्स में बुलाना बच्चों को सही रहेगा, या फिर जो ऑनलाइन क्लासेस हम दे रहे थे कि वो घर से क्लासेस लेके बाकी सारी चीज़ें भी कर सकते हैं वो सही है? इसमें मैं आपको एक चीज़ इसमें मैं और जोड़ना चाहूँगा, ह्यूमन बीइंग को क्या चाहिए, समाधान चाहिए। आपको मालूम है कि हमारी ओजोन की परत डिस्ट्रो जी, और उसके लिए जो है ना ये था कि सारे एसी बंद कर दिए जाएँ सब, है ना। तो मैं तो कह रहा हूँ कि ये हमारी प्रकृति ने अपने आप को रिपेयर किया। हाँ, वो बेसिकली ह्यूमन को चाहिए, प्रकृति जो ह्यूमन को चाहिए वो देती है, और वो जहाँ डिस्टर्ब होता है तो वो हमारे यहाँ स्टॉर्म आते हैं, जो भी फ्लड्स आते हैं, जो भी रेनफॉल होता है, जो भी होता है, ये उसको रिपेयर करने का, मैं ये समझता हूँ रिपेयर वो अपने आप को करती है। हमें पीड़ा होती है, ह्यूमन को पीड़ा होती है, लेकिन वो अपने आप को रिपेयर करती है। और दूसरा, आप जो एजुकेशन पे कह रखे हैं, आज की डेट में बहन गूगल बाबा आपके सामने हैं, और उसमें आपको लिखना नहीं आता, बोलना तो आता है, बोलिए आपके सामने उसका आंसर आ जाता है। लेकिन ये क्या बोलें, कैसे बोलें, कितना बोलें, ये तो टीचर ही सिखाएगा, और उसके लिए उसको आना जरूरी होगा, और जब वो आएगा तब उसको बता लगेगा कि इस ये एजुकेशन है क्या, कितना सीखना है, क्या सीखना है, कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो ये तो स्कूल के बगैर तो स्टूडेंट रेडी ही नहीं हो सकता, रेडी ही नहीं हो सकता। तो आपके स्कूल ने वैसे कॉप अप कैसे किया था सर उस सिचुएशन में, जब एकदम से लॉकडाउन लग गया था, सारे बच्चे बंद हो गए थे, तो शुरुआत कैसे हुई थी टेक्नोलॉजी? देखिए ये हमारा सौभाग्य है कि टेक्नोलॉजी थी, और उसका पहले समबड़ी यूज़ एंड समबड़ी डोंट यूज़, तो हमें किसी को जानकारी थी किसी को नहीं थी। हम लोगों ने इसको अपने टेक्निक के माध्यम से अपनी क्लास को केवल व्हाट्सएप पे शिफ्ट किया था, अपने गूगल्स पे शिफ्ट किया था, तो क्लास शिफ्ट हुई थी, टीचर्स वही था, स्टूडेंट्स वही थे। अब ये था कि एक एनवायरनमेंट नहीं था, तो जिसकी वजह से जो बच्चे को सीखना चाहिए था वो नहीं मिला उसे, वो नहीं मिला उसे, वो बेसिकली क्लास हो गई है तो बच्चा सो रहा है, मम्मी उठा के ले कहते हैं बेटा आपका क्लास हो, तो वो सोने का प्रयास कर रहा है और मम्मी कह रही नहीं बेटा आपकी क्लास है, आपकी टीचर से ने, तो मतलब ये था कि हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने अपना रोल प्ले किया, टीचर्स ने अपना रोल प्ले किया, लेकिन कहीं ना कहीं जो एनवायरनमेंट न होने की वजह से स्टूडेंट्स को जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपके जो विचार थे शिक्षा के ऊपर, आपके स्कूल के ऊपर, वो शेयर करने के लिए हमारे और हमारे ऑडियंस के साथ। तो अभी हम मौजूद थे प्रताप मॉडल स्कूल में, हमने यहाँ के स्कूल के बारे में आपको बताया, इनकी शिक्षा के ऊपर क्या मानसिकता है उसके बारे में आपको बताया। नेशन लाइव आप तक शिक्षा से जुड़े सारे मुद्दे पहुँचाता रहेगा, बने रहें नेशन लाइव के साथ।